हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीढ़ की हड्डी के सारांश के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। रीढ़ की हड्डी यह एक एकांकी है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी में नाटक के समान सात तत्व होते हैं। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्त्री के प्रति समाज की जो हीन मानसिकता है उस पर करारा व्यंग किया है। नारी को स्वयं सबला होकर अपनी प्रगति करनी चाहिए। स्वयं के उद्धार के लिए उसे शिक्षित होकर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। प्रस्तुत एकांकी की उमा यह प्रयास करती है और घर पर उसे देखने आए लड़के को और उसके परिवार वालों को खरी खोटी सुनाकर उनकी रूढ़िवादी मानसिकता का पर्दाफाश करती है। उमा के घर पर उसे देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आते हैं। उनके अनुसार लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ घर का काम एवं सिलाई का काम आना चाहिए। पेंटिंग वाद्य बजाना और गाना गाना आना चाहिए। आखिर उसे घर ही तो संभालना है। वे उमा से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उमा गुस्सा हो जाती है और उनके बेटे की असलियत सभी के समक्ष खोलकर रख देती है। इससे अपमानित होकर गोपाल प्रसाद अपने बेटे के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उमा नारी पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करती है। उसके हृदय में स्त्री शिक्षा के प्रति सकारात्मक विचार है। वह स्वयं भी पढ़ी लिखी है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार कर वह समाज के सामने खुद की एक मिसाल स्थापित करती है। तो दोस्तों, ये था रीढ़ की हड्डी का सारांश। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।